हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मैं भोले बाबा के आशीर्वाद से मैं हेमगिरी पर्वत भोले बाबा के मंदिर पे आ गया हूँ। अब मुझे सभी लोग दूध पिलाने के लिए आएंगे और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। चाचा जी कुमार, देखो हम लोग मंदिर पर आ गए हैं। क्यों नहीं कुमार, और बहुत सारे नाग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आओ का सब नाग तो ही जा रहे हैं, देखो ना। अब हम नाग को दूध पिलाने के लिए जा रहे हैं। पता कैसे करोगे लम्बरदार, इतने नाग में कि कौन वही नाग वाला मरी वाला नाग है। हाँ सिपाही, ये तुम बात सच कहते हो, क्योंकि आज तक मैं कभी इस मंदिर पर दूध पिलाने के लिए नहीं आया। हाँ। तो हम उसे पहचानेंगे कैसे कि ये वही नाग है जिसके पास मड़ी है। कुमार, जिस वक्त वो नाग आएगा वो अपनी मड़ी सर पर रख कर आएगा, और तुम देखना कि जिस नाग के सर पे मड़ी हो वही इच्छाधारी नाग, उसी को तुम पकड़ लेना, फिर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है चाचा जी, हम दूध पिलाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। ए भैया, क्या है? और आप देख रहे हो हमका सबका, तो मान लियो हियो हो तो नहीं दिखाएगा, आपे को दिखाएगा, हम लोगों को दिखाएगा नहीं, पकड़ लेना। ठीक है सिपाही, जब वो नाग आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, पकड़िए हम लोग। हाय बाज भी दिखाएं कहूँ नाग। हाँ सिपाही। हाँ। वो देखो नाग आ रहा है। हाँ। वो आ रहा है, वो कटोरी के नजदीक पहुंच गया। कुमार, हम लोगों को नाग दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? आप लोगों को नहीं दिखलाई दे रहा है? वो देखो कटोरी के पास आ गया है। पकड़ लो भैया। तो कुमार तुम उसे पकड़िए, क्योंकि हम लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है चाचा जी, आप लोग शांत खड़े रहिए, हम उस नाग को पकड़ने जा रहे हैं। ठीक है कुमार, पकड़िए उसे। चाचा जी हा? देखो मैंने इस नाग को पकड़ लिया है। क्या मिल गया? हाँ चाचा जी, लेकिन अमर मुझे दिखाई नहीं देता वो। अरे देखो मेरे हाथ में है ये नाग। जाए ना पाओ, पकड़े ना हमको दिखा नहीं। पकड़ के रखो फिर कुमार, छोड़ना नहीं, इसकी मड़ी जब तक हासिल ना हो जाए। चाचा जी देखिए, मैंने ना इस नाग को पकड़ लिया है। भैया हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन कुमार वो नाग हम लोगों को दिखाई नहीं देता। चाचा जी देखिए मेरे हाथ में नाग है। कुमार अगर तुम उसे पकड़ लिए हो तो छोड़ना नहीं, कि जब तक किसी मड़ी हासिल ना हो जाए उसे छोड़ना मत। कुमार राजकुमार, तू मुझे क्यों पकड़ा बेटा? किस लिए पकड़ा है तू मुझे? नागराज मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी मड़ी को हासिल करूंगा। नहीं बेटा, मुझे छोड़ दे वरना बहुत पछताएगा बाद में। नहीं नागराज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे डस लूंगा। नहीं नागराज, तुम मुझे डस नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप मुझे डस लोगे तो आपकी मणि की शक्ति समाप्त हो जाएगी, इसलिए मैं नागराज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे बेटा वरना मैं तुझे डस लूंगा। नहीं नागराज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ भैया? तो क्या मली मिली? मली पकड़े हैं भैया। नहीं सिपाही, क्या हुआ? उस नाग ने मुझे डस लिया। नहीं, 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 नहीं। अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं भैया, सारा सत्यानाश, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा सिपाही, मर जाऊंगा। कुछ ना हो भैया, क्या हो गया यार? रमजान काट लिया खीरा सिपाही। हाँ। बहुत गजब हो गया। हाँ? कुमार एक ही जतन से बच सकते हैं। क्या तुम जाकर के हाँ? कहीं से पानी का इंतजाम करिए, तब तो हो सकता है कि कुमार की जान बच सकती है।
पानी पानी कहीं से पानी का इंतजाम करिए, तब इसकी जान बच सकती है। ठीक है, जाओ तुम जहाँ कहीं पानी मिलता है तुम खोज कर ले आओ। बहुत अच्छा, बहुत जल्दी ला कर जाओ। चाचा जी, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मुझे बचा लीजिए चाचा जी, मुझे बचा लीजिए। कुमार, मड़ी तो हासिल नहीं कर सका है, लेकिन अब देखिए भाभी प्रताप सिंह कौन सा खेल खेलता है। कुमार, सिपाही चला गया है, कोई नहीं है, मौका अच्छा है, मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। अरे मड़ी नहीं हासिल किया है तो मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। हराम चादे कुमार, आज के बाद तू इस दुनिया में चिंदा नहीं रह सकता। चाचा जी, ये आप क्या कर रहे? आप मेरा गला क्यों दबा रहे? चाचा जी, मेरा गला छोड़ दीजिए चाचा जी। कुमार, तूने मड़ी नहीं हासिल कर सका है, लेकिन ये भाभी प्रताप सिंह तेरी जिंदगी को छीन लेगा। हराम चादे, मैं तुझे दुनिया में छीने नहीं दूंगा। कहां को जाएगा हराम चादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तू बच गया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, मैं तुझे दुनिया में साले चीने नहीं दूंगा। अगर भयभीत प्रताप सिंह के हाथों से तो बच सकता है तो बचा ले अपने आप को। कुमार, मैं तुझे चिंदा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैं तुझे दुनिया से मिटा नहीं दूंगा। कुमार, देख मैंने तेरा क्या हाल कर दिया है कि तो अब कहीं का नहीं रह गया है, लेकिन अभी सिपाही आएगा तो क्या जवाब मैं दूंगा? कोई खेल मुझे खेलना चाहिए। सिपाही, अरे सिपाही, अरे सिपाही, क्या पानी? अरे सिपाही, पानी गजब हो गया सिपाही। क्या हुआ? तूने पानी लाने में बहुत देर कर दिया रे, इसलिए कि कुमार के प्राण निकल चुके हैं। तो नीक नीक रहो, इतनी जल्दी तुम का होएगा भैया? अब क्या करें भाई,
अभी तो ठीक थे, लेकिन तूने पानी लाने में बहुत देर कर दिया। का हम जानत रहिन कि हमारे जाते ही चले जाइए रमवार। अगर हम जानी तो पानी का ना जाई थे भैया। अरे भैया अब तो नीक नीक रहो, इतनी जल्दी तुम का पैगा भैया। क्या बात है सिपाही? भैया के गतई मांगुरी के निशान है। क्या? कीड़ा काटी हाथे मां निशान बना गतई मां। सिपाही जब कुमार को उस नाग ने डसा है ना, तो कुमार अपने हाथों से अपना गलप चाप रहा था ना, वही उंगलियों के निशान होंगे। कुमार को अपने हाथे से अपन गछाई जा भी। सिपाही कुमार अपने हाथों से अपना गलत ताप रहा था ना। हमका चूतिया बना रहे हो। नहीं सिपाही मैं सच कह रहा हूँ। सच नहीं कह रहे हो? तुम हमका पानी लावे के बहाना भेज दियो और कुंवर के गटई दाब के तुम मार जाए। अरे नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। तुम कहे दे रहा था। सिपाही क्या करूं, कुंवर नहीं है तो इसीलिए मुझे खौफ है। महाराज से बताओ भाई, गजेब मंत्री जी मरी के चक्कर में भाई क्या कर लाएंगे। नहीं सिपाही रुक जाओ, तुम सम्राट तक नहीं जाना। तो बताओ हम क्या? नहीं सिपाही वापस आ जाओ, तुम कहीं न मत जाओ, यहाँ आओ। हम ना उबाए। नहीं सिपाही वापस आ जाओ ना। देखो सिपाही हाँ, तुम जो कुछ कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन तुम सम्राट तक नहीं जाना, आ जाओ। जौन हम कहा वो करियो। हाँ मैं करूंगा। तो चलो फिर अपन बंदूक हम का लाओ रिवॉल्वर। लेकिन इसे तुम क्या करोगे? हम कहीं भी महा नहीं रह जाओ। मैं चूरी हो गई, अगर मैं इसे रिवॉल्वर नहीं देता हूँ तो ये सम्राट तक पहुंच सकता है। ठीक है सिपाही लीजिए। अब ये बताओ बेटा। मैं बेटा आई एम गुंडा। अरे सिपाही चुप, आवाज नहीं गोली मार दूंगा। ये बताओ यहाँ का रंगबाज कौन है? यहाँ का रंगबाज तो मैं हूँ। चुप, रंगबाज मैं हूँ, तुम नहीं हो। यानी इस वक्त यहाँ के महाराज रंगबाज तुम हो? चैंपियन गुंडा हूँ। अच्छा, जो कहोगे वो अब मैं नहीं करूंगा, अब जो मैं कहूंगा तुम साले करो, नहीं तो मारूंगा भेजा छितरा आ जाए। अबे मैं यहाँ का मंत्री हूँ। मंत्री मंत्री के हमें आके कौनो इज्जत नहीं ना। अब सुनो बेटा, कान पकड़ो। अबे मैं तेरा बेटा हूँ। मार अब कौन? नहीं रुक जा यार, कान पकड़ो, नहीं मारूंगा भेजा छितरा आ जाए। लो मैं अपने कान पकड़ रहा हूँ। चलो कान पकड़ बैठो। बैठाओ नहीं फिर पादा उठाई। रंगबाज जो चाहूंगा वही होगा। चलो बैठो, फंसाए हैं इनका, जो उनका वही करी है। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ, खड़े हो जाओ, निहूर जाओ। अब रंगबाज के लिए एक कुर्सी लाओ। कौन? तुम लाओगे साले का, मैं लाऊंगा। अबे नौकर तू है कि मैं हूँ? कौन नौकर है? तू नौकर मेरा है कि मैं तेरा नौकर? महाराज नहीं रुक जाए। नौकर नहीं हूँ, मालिक हूँ। जाओ साले कुर्सी लाओ, रंगबाज के लिए लगाओ। चलो कुर्सी लेकर आओ। फंसे है बच्चा चक्कर में, जौन कहा वही करी है। कहा इधर उधर ना निकाल रहे हो, और जाए कोशिश नहीं करना, नहीं दौड़ा है गोली मार। लगाओ साले कुर्सी, रंगबाज हूँ, अच्छे अच्छे की रंगबाजी उतारता हूँ। लगाओ
अबे कोसी वो कहाँ गए? ये तो सरक गई बाहर। सरकी साले तुम सरकाया है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम साले हराम खोर हो। कोसी लगाओ। कोसी लगा। उधर लगाओ। जहां मैं कहूंगा वहां लगाओगे। लगा। हुआ को कहीं लगाओगे? जल लगाओ। साले आज तुम्हारी रंगबाजी उतार दूंगा। अब ये बताओ यहाँ का गुंडा कौन है? इस वक्त तो यहाँ के गुंडा तुम ही हो। तो चलो फिर बेटा गोल दावो हमारा। अबे मैं तेरा रंगबाज हूँ यार। पैर मैं दामू। नहीं तभी महाराज। अल्लाह फंसा दिया। तो करना ही पड़ेगा। चलो दावो। दावो नहीं महा। मैं कहूंगा वो करोगे नहीं? मैं वो करूंगा। तुम साले अपनी इल्लत छोड़ोगे या नहीं? साले दूसरे के जो है मरी के चक्कर में जान ले लिया है, अब तुम्हारे जान जाएंगे। चलो 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 गोल दाबो। चलो नहीं मारूंगा गोली। गोली नहीं। चलो चलो गोल दाबो। चलो बचो गोल दाबो। रंगबाज हूँ। चलो जुट जाओ सेवा करो। पैर दाबू? हाँ सेवा करो। सेवा करूं? हाँ सुराए रहो। तुम्हारी सेवा करूं? वाह सुराए रहो। हुआ कहाँ सुराओ तो? मैं सेवा कर रहा हूँ। नीचे सेवा करो ऊपर नहीं। सेवा करो। चलो सेवा करो। नीचे पैर दाबू। अरे वाह सिपाही। हाँ मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। हाँ हाँ मैं तुम्हारा मंत्री हूँ। मंत्री नहीं संतरी हो तुम कुछ। ए भैया मजाक आया। क्यों रे? मजाक आया साले हराम खोर। तूने मुझसे क्या क्या करवाया रे? कुछ नहीं यार। है? मजाक आया। इसको प्यार कर। मजाक आया यार। यार भैया मजाक आया। मजाक है? मजाक आया। अब जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। अगरचे तुमने मेरा कहा ना किया तो ऐसी जगह गोली मारूंगा कि साले डॉक्टर ऑपरेशन करने में भी मजबूर हो जाएगा। चल साला वही नाजुक जगह हमारी। अब तू कान पकड़। बैठ। इस तरह नहीं कान पकड़ कर बैठ। डर साले अपने कान पकड़। बैठ बैठ बैठ। फसाए है साला। बैठ। चल अपनी नाक जमीन पर रगड़। अपनी नाक जमीन पे रगड़ वरना देख किस जगह मैं गोली मारता हूं तेरे। फसाए है साला। दर्द। अबे दर्द। रगड़ नाक। आ रगड़। खड़ा हो जा। और खड़ा हो। लखिया चूज गया। अब महाराज के पास जाएगा? न जा भाई। शिकायत करने जाएगा? नहीं नहीं जाएगा। नहीं भैया। तो उठा इस कुमार की लाश को और ले चल सम्राट के पास। और जैसा मैं वहां कहूंगा वैसा तुझे कहना होगा। जैसा मैं करूंगा वैसा तुझे करना होगा। अगर मैं वहां रोता हूँ तो तुझे रोना पड़ेगा। रोना है। अगर मैं वहां हंसता हूँ तो हंसना होगा। अगर चे इतना ना किया तो याद रखना बभी प्रताप सिंह को पड़ा है। चाले तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। तुम रोओगे मैं रोऊंगा। तुम हंसोगे मैं हंसूंगा। तुम निहुरोगे मैं निहुरूंगा। उठा इस लाश को और ले चल महाराज के पास। देख मैं कौन सा खेल फिर आगे खेलता हूं। आओ लेकर आओ। फंसा नहीं से यार। ऐसे चक्कर में फंसा नहीं सब बताऊ नहीं सके। अगर बताए तो गड़बड़े है। आओ आओ ले आओ मरी।
गयो मरी के चक्कर में, मरी कहू का नहीं मिली तो तुम का कहा मिली। जे जे मरी के चक्कर में गवाह है वो ऊपर है गवाह है, मर गयो आओ ले आओ मरी गयो। कुछ पैसा वैसा धरे हो कि नहीं हा? अब तो तुम चले न गयो, कौ रुपये नहीं धरे कि सुबह समझा के नस्ते हो गयो। चलो फिर चलो महाराज के पास लेके चली से। एक मिनट में लुंजुई पुंजुई हो गया, लुंजुई पुंजुई हो गया। चलो आओ ले हम मरी उठा। पिताजी ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। हाँ बेटी खूब मेहनत से जी लगा करके पढ़ाई करो। और एक बात ये है बेटी कि आज सुबह से तुम्हारा भाई विजय वो मुझे नजर नहीं आया, वो कहाँ गया है? पिताजी भैया न जाने कहाँ गए हैं, मुझसे भी बताकर नहीं गए। ठीक है बेटी आओ हम विजय के आने का इंतजार करूंगा। और आज ना मालूम क्या बात है बेटी कि अचानक रह रहकर हमारा दिल धड़क रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। नहीं पिताजी भैया को कुछ नहीं होगा। आओ बेटे के आने का इंतजार करेंगे। ठीक है पिताजी। बेटा विजय क्या हुआ? बेटे मेरे बेटे को क्या हुआ? राजन बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हुआ मेरे बेटे को? महाराज मंत्री जी। क्या मंत्री जी? और महाराज जी हो गई बहुत गजब की। सही क्या हुआ मेरे बेटे को? महाराज जी हो गई बहुत गजब की बात। और कुमार को डस लिया एक कालिया। बेटा, बेटा। और उठाकर कुमार को मदरबार लाया। गया भागना मुझे ना खाया। राजन कुमार को एक कालिया नाग ने डस लिया महाराज। महाराज मंत्री क्या मंत्री? मंत्री जी वो और मंत्री जी कुछ सोचिए कोई जतन उपाय। बेटा, बेटा। मंत्री जी कुछ सोचिए कोई जतन उपाय। अभी मुनादी पिटवाए। बेटा
सिंह। और खबर जाके सेनापति को बताओ। को बताओ और सभी राज के तांत्रिक को बुलाओ। मंत्री भयभीत सिंह, इसकी खबर हमारे वफादार बहादुर सेनापति को दे दो और कह दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। जो आज्ञा राजन। सिपाही, सेनापति धर्मवीर सिंह को इसी वक्त फोन करके शीघ्र राज दरबार में बुलाया जाए। महाराज सेनापति जी आ रहे हैं। क्या बात है? राजकुमार को क्या हुआ? मेरे बहादुर, जितनी जल्दी हो सके कोई तांत्रिक को बुला करके ले आओ, मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है। महाराज आप घबराए नहीं, हिमगिरी की पहाड़ी के तरफ जो घनिष्ठ जंगल है उसी जंगल में एक गुफा है और उसी गुफा में एक तांत्रिक रहते हैं। मैं उनके पास जा रहा हूं और तत्काल उन्हें बुलाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप घबराइए नहीं महाराज, मैं जा रहा हूं। मंत्री भयभीत सिंह, काश अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे को ये सांप ने कहां डसा है। पता नहीं कौन साला धोखे के नजर लाग गए। लेकिन मेरे बेटे को सांप कहां जग दस लिया और तुम लोगों को कहां मिला है? महाराज मंत्री जी, राजन मंत्री जी, बताओ। मैं और राजकुमार और सिपाही आज काली पहाड़ी पे गए थे महाराज। क्या काली पहाड़ी पर? हाँ महाराज, और जब वहां से हम लोग वापस आ रहे थे तो राजकुमार को क्या देख रहा हूँ कि रास्ते में एक कालिया नाग ने इसे डस लिया है महाराज। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग मिल गए और राजकुमार को लेकर यहाँ आ गए, नहीं लाश भी ना मिलती। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है मंत्री भयभीत सिंह, कि मेरे बेटे को काली पहाड़ी पे क्यों लेकर गए? महाराज मंत्री क्या राजन, हम लोग कल नाग पंचमी थी ना, और इसीलिए हम लोग वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे महाराज। लेकिन मेरे बेटे को क्यों ले गए? हम कहाँ ले गए बता। महाराज राजकुमार ने कहा कि नाग पंचमी के दिन हर वक्त पिताजी जाते हैं लेकिन आज मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए महाराज कुमार को मैं लेकर काली पहाड़ी पर गया था राजन। और वहीं आते समय राजकुमार को किसी कालिया नाग ने डस लिया महाराज। महाराज अभी तक सेनापति जी नहीं आए। भैया के हालत, मेरे बेटे की हालत नहीं रहती जा रही है, शरीर एकदम काली पड़ रही। हाँ भैया, सेनापति जी हमें लगता है अभी कोई उपाय कर नहीं पाए।